बहनी राम राम। विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह सुबह देखिए मैंने अपने खेत में आई हूँ और यहाँ से देखिए प्याज लगाए हुए हूँ, तो यहाँ से उखाड़ूंगी प्याज को। तो सबसे पहले मैं प्याज को उखाड़ लेती हूँ। मिट्टी बहुत मुलायम है, देखिए बहुत अच्छे से उखड़ रहा है। तो प्याज को हम जरूर से उखाड़ ली हूँ, एक दो और उखाड़ूंगी। अब मैं प्याज को धुलूंगी। तो जो इसका डंठल है तो इसको मैं काट लेती हूँ। तो काट छांट के मैंने प्याज का छिलका उतार लेती हूँ। तो आग जला लेती हूँ। पानी उबल रहा है तो इसमें डाल देती हूँ दूध। तो इसमें चीनी डाल देती हूँ चाय में। तो चाय पत्ती मैंने डाल दिया है, अब अच्छे से मैंने आग लगा देंगे। धीमी आंच चाय पकेगी, उसके बाद हम अदरक इसमें डालेंगे। अब इसमें मैंने आदि का टुकड़ा डाल देती हूँ। तो चाय हमारी पक रही है, हम प्याज काट के तैयार कर लेती हूँ पकौड़ी बनाने के लिए। तो मैंने देखिए प्याज काट लिया है, बस एक बचा है, मैं काट लेती हूँ। मैंने लंबा लंबा देखिए आकार में काटी हूँ। तो मेरी देखिए मम्मी आई है मेरे घर, और मैं चाय और पकौड़ी बना रही हूँ, और मेरी मम्मी देखिए करेला काट रही हैं। करेला की भुजिया सब्जी बनेगी। तो मैंने प्याज और मिर्चा काट लिया है, अब इसमें डालेंगे बेसन। राम राम दोस्तें। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो थोड़ा मैंने देखिए सूखा इसमें बेसन डालकर जो इसको देखिए अच्छे से मैंने हाथ से मसल देंगे, एक एक दाना अलग हो जाएगा। तो ऐसे मैं पहले छटका लेती हूँ। बहुत ही लच्छेदार पकौड़ी ऐसे बनती है। मैंने एक एक अलग कर लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। चाय हमारी पक गई है, तो चाय को मैं उतार के नीचे रखूंगी। अब इसी कढ़ाई में बनाएंगे पकौड़ी। तो कढ़ाई मैंने रिफाइंड डाल देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, मैं पकौड़ी छानना स्टार्ट करती हूँ। इसको दोनों साइड उलटते पलटते हुए पकाएंगे। तो मैं धीमी धीमी आंच में पका रही हूँ, बहुत ही अच्छे से पक जाएगा।
तो चाय मैंने छान लिया है और दोनों गिलास में देखिए डाल देती हूँ। तो पकौड़ी और चाय के साथ सब लोग खाएंगे। चिप्स छान रही हो और क्योंकि हमारे बच्चे के आलू का चिप्स बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं एक आलू के देखिए चिप्स बना रही हूँ। तो बहुत ही कुरकुरे देखिए मैंने चिप्स छाना हुआ है। तो बच्चों को हमारे चिप्स आलू बहुत अच्छा लगता है। जब मन करते हैं गए देखे जिसको मशीन से काट करके छान लेते हैं खाने के लिए। तो काफी मैं खुश रहती हूँ दोस्तों क्योंकि मेरी मम्मी पापा सास ससुर सब घर में है, अच्छा लगता है। और अब देखिए मेरे बगल में मेरी सासू माँ है, मेरी मम्मी है, मेरे घर पे आए हैं, मैं काफी खुश हूँ। और दोस्तों अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करना। मैंने अपने सासू माँ के लिए और अपने मम्मी के लिए मैंने बनाया है नाश्ता में और चाय पकौड़ी। अच्छा लगेगा दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। और आज के अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।